अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारी जो वर्किंग है वो 14 वर्किंग से रिलेटेड है। 14 वर्किंग में आज हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम इंग्लिश सीरीज़ स्टेप वन, ठीक है, इंग्लिश सीरीज़ स्टेप वन में पेज नंबर 24 तक हम कर चुके हैं, ठीक है। क और साउंड और लेटर क और के कर चुके हैं। अब हम पेज नंबर आएंगे 25 एंड पेज नंबर 26। तमाम बच्चे मेरे साथ ये पेजेस निकाल लीजिए, निकाल लिए, वेरी नाइस। 25 पेज सबसे पहले बच्चे निकालेंगे। 25 पेज पर हमने बोर्ड पर बना लिया है। 25 पेज पर बच्चों हमें दिया गया है लेटर एल और साउंड ल, ठीक है, मेरे साथ रीड आउट करना है आपने, ठीक है, लेटर एल ल, लेटर एल ल, लेटर एल ल, वेरी गुड। इसके बाद हमें इनका फ्लैश कार्ड दिया गया है, ठीक है, फ्लैश कार्ड रीड आउट करेंगे मेरे साथ साथ। द नेम इज एल एंड द साउंड इज ल, द नेम इज एल एंड द साउंड इज ल, द नेम इज एल एंड द साउंड इज ल। सब बच्चों ने फ्लैश कार्ड रीड आउट कर लिया। चले मैं इसको समझा देती हूँ। हमारे पास जो नाम है, आज नेम है ये एल, ठीक है, और इसका साउंड क्या है, ल, ठीक है। द नेम इज एल एंड द साउंड इज ल, नेम हमारा एल है और साउंड हमारा ल है, वेरी गुड। इसको समझने के बाद हम इन ल साउंड पढ़ा था ना हमने, इससे जो पिक्चर्स लीव, वेरी गुड, ल लॉक, ल लॉक, ल लॉक, रीड आउट कर ली पिक्चर्स। हमने क्या सीखा, इन तमाम पिक्चर्स की बिगिनिंग साउंड जो शुरू में आवाज़ आ रही है वो क्या है, ल, ठीक है। एक बार इन पिक्चर्स को आप तमाम बच्चे मेरे साथ दोबारा रीड आउट करेंगे। लाइन, लैम्प, लीफ, लॉक, वेरी गुड। पिक्चर्स को अच्छी तरह रीड आउट करने के बाद हम चलते हैं अपनी राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ। सबसे पहले हमें कैपिटल लेटर यानी नेम दिया गया है एल, जो कि हमारा अपर केस लेटर कहलाता है, ठीक है, अपर केस है एल। इसको हमने लिखना है, कैसे लिखना है मैं सिखा देती हूँ। सबसे पहले देखें, आपके पास नंबर्स दिए गए हैं बुक में, वन, और इसी नेम पर एल पर नीचे टू लिखा है। सबसे पहले जहाँ वन लिखा है बच्चों, वहाँ आपको ट्रेसिंग डॉट दिए गए हैं ना, डॉट पर पेंसिल रखेंगे और यहाँ पर एरो है, ठीक है, इसी एरो की डायरेक्शन में हम अपनी पेंसिल को मूव करेंगे। कैसे देखें, एरो हमारा ऊपर से नीचे की जानेब आ रहा है, ठीक है, तो हम अपनी पेंसिल को भी नीचे की जानेब लाएंगे। अच्छा, ठीक है, कितनी लाइंस में, वन टू थ्री, ठीक है, थ्री लाइंस पर हमारा ये एल रुक गया। हमारे पास लाइंस इंग्लिश में होती हैं फोर, कितनी लाइंस होती हैं, फोर लाइंस होती हैं, वन टू थ्री फोर। लेकिन जो हमें लेटर दिया गया है, जो नेम दिया गया है एल, वो हमारा बनता है वन टू थ्री, थ्री लाइंस पर बस, ठीक है। नेक्स्ट, हमने इतनी ट्रेसिंग कर ली। अब यहाँ लिखा है टू, क्या लिखा है, टू, और जो हमारा इसके साथ एरो है वो डायरेक्शन हमारी राइट साइड पर जा रही है, तो हम अपनी पेंसिल को भी राइट साइड पर इस तरह लाइन से डॉट मिलाते हुए, लाइन से टच कर कर बिल्कुल इसी तरह फॉलो करते हुए बनाएंगे इस तरह, ठीक है। ट्रेसिंग करने के बाद बिल्कुल सफाई से ट्रेसिंग करेंगे, ठीक है, डॉट से हट जाए तो फौरन रेस कर लीजिएगा। अब जब हमने ट्रेसिंग कर ली, अब हम बनाएंगे एल, ठीक है, वन टू थ्री लाइंस, मैं एक लाइन बना ली और फिर राइट साइड पर अपनी पेंसिल को मूव करेंगे इस तरह से,
ठीक है, लाइन से टच करते हुए इस तरह से तमाम बच्चे बना लेंगे। एल क्या है, ये एल जो कि नेम है, अपर केस लेटर है, ठीक है। अब हम आएंगे नीचे लोअर केस। लोअर केस में हमारे पास साउंड आते हैं, एल नेम था, इसका साउंड क्या पढ़ाया था मैंने आपको, ल, ठीक है, नंबर वन। और नंबर वन के साथ एरो बना हुआ है जो कि नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब यानी हमें इस साउंड्स को नीचे की तरफ इसी तरह इसी एरो की डायरेक्शन में बनाना है। ये भी हमारा कितनी लाइंस में बनेगा, 1, 2, 3 लाइंस में बनेगा, ठीक है। तो तमाम बच्चे 1, 2, 3 लाइंस में साउंड ल बनाएंगे, बिल्कुल इसी सफाई के साथ लाइन से नीचे चले जाए या किसी भी तरह की कोई मिस्टेक हो जाए तो सबसे पहले अपनी वर्किंग में जो मिस्टेक हो उसको अच्छे से क्लियर कीजिए, ठीक है। जब हमने राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, हमने क्या सीखा, लेटर एल और साउंड ल, सबसे पहले हमने रीडिंग कर ली, पिक्चर्स भी हमें आ गई, लाइन, लैम्प, लीफ, लॉग, और इन सब की बिगिनिंग साउंड क्या थी, ल। इसके बाद हमने राइटिंग की, नेम लिखा, अपर केस था, लेटर एल, इसके बाद साउंड लिखा ल, तो हमारा पेज नंबर 21-25 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वर्किंग इसमें, इस पेज में हमें क्या करनी है, कलरिंग। क्या करनी है, कलरिंग, और कलरिंग तो सब बच्चे बहुत शौक से करते होंगे, ठीक है, और बहुत सफाई से करनी है, ठीक है। सबसे पहले बेटा हमारे पास है लाइन, लाइन पे हम करेंगे ब्राउन कलर। किस कलर का होता है लाइन, देखा होगा जू वगैरह में, तो लाइन किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का। ये मैंने आपको ब्राउन कलर दिखा रही हूँ, विच कलर इज़ दिस, ब्राउन कलर। तो लाइन में हमें कौन सा कलर करना है, ब्राउन कलर, ठीक है। यहाँ मैंने आपको फ्लैश कार्ड दिखा दिया है लाइन का, इसमें कलर हुआ हुआ है, बिल्कुल इसी तरह आपको फ्लैश कार्ड में जैसे कलर हुआ हुआ है इसी सफाई के साथ आपको लाइन में ब्लू कलर करना है जी। तो चलें अब लास्ट में हमें पेज नंबर 25 पर कलरिंग करेंगे, ठीक है। और कलर सब बच्चे बहुत शौक़ से करते हैं ना, लेकिन कलरिंग को करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखना है बच्चों के कलर आपका आउट ऑफ पिक्चर ना जाए, ठीक है, आउट ऑफ पिक्चर नहीं जाना चाहिए, पिक्चर से बाहर कलर नहीं जाना चाहिए आपका। सबसे पहले आपको जहाँ जिस पिक्चर में भी आप वर्किंग करें, कलरिंग करें, उसमें सबसे पहले आउटलाइन बनाएं, देन अप एंड डाउन कलर करें, ठीक है। और अगर आपका गलती तो सबसे होती है, तो गलती से अगर बाहर चला भी जाता है, आउट ऑफ पिक्चर हो जाता है कलर, तो उसको फ़ौरन क्या कर लें, रेज कर लें, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमारे पास जो पिक्चर है वो है लाइन की, लाइन में हम कौन सा कलर करेंगे, ब्राउन कलर, ठीक है। जू वगैरह में सब बच्चों ने लाइन देखे होंगे, वो किस कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के। विच कलर इज़ दिस, ब्राउन कलर, वेरी गुड। तो लाइन में तमाम बच्चे, यहाँ मैंने पिक्चर दिखा दी आपको कलर हुई भी, ठीक है, इस ब्राउन कलर करते हुए लाइन को अपने कंप्लीट करना है, कलरिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पिक्चर पर आएंगे। नेक्स्ट पिक्चर में आपको लैम्प है, ठीक है, लैम्प में तमाम बच्चे येलो कलर करेंगे, कौन सा कलर करेंगे, येलो कलर। विच कलर इज दिस, येलो कलर, ठीक है, येलो कलर लैम्प में करना है और लैम्प के पिक्चर में कलर करके लैम्प कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप आएंगे लीफ पर, लीफ पत्ता सबने देखे होंगे, घरों में भी होते हैं, तो कौन से कलर के होते हैं ज़्यादातर लीव्स, अक्सर जो लीव्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं ग्रीन कलर के, ठीक है। तो ग्रीन कलर हम लीव में करेंगे, ग्रीन कलर में आपको दिखा देती हूँ, ये ग्रीन कलर है, इसी कलर को लीव में आपने फिल आउट करना है, ठीक है। लास्ट में आपके पास पिक्चर है लॉक, लॉक, ठीक है, लॉक में आप ब्राउन कलर करेंगे, ठीक है, ब्राउन कलर करिएगा और बहुत सफाई के साथ कीजिएगा, ठीक है। लॉक में आप कौन सा कलर करेंगे, ब्राउन कलर। लास्ट में बच्चों मैं आपको ये तमाम पिक्चर्स कलर हुई भी दिखा रही हूँ, ठीक है, इसी सफाई के साथ आप लोगों को ये पिक्चर्स में कलर करना है, ठीक है।
इसी के साथ हमारी जो 25 पेज था वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इंग्लिश सीरीज़ में ही पेज नंबर 26 निकालेंगे। ये रहा, देखें लेटर एल, इसकी राइटिंग है, ठीक है। इस पेज को मैंने स्क्रीन पर भी दिखा दिया है, ठीक है। लेटर एल और साउंड ल, इसकी राइटिंग करनी है, इस पेज को कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट हुआ हुआ पेज मैं आपको दिखा रही हूँ, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको राइटिंग सिखाई है नेम की और साउंड की, बिल्कुल एज इट इज़ आपको पेज नंबर 26 पर भी कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद आपकी पेज नंबर 25 और पेज नंबर 26 करने के बाद इंग्लिश सीरीज़ की वर्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ, जो कि है नंबर सीरीज़ स्टेप वन, ठीक है। नंबर सीरीज़ स्टेप वन, पेज नंबर 25 निकाल लें, सब बच्चे अपने निकाल लें पेज नंबर 25 अपनी बुक्स में, ठीक है। पेज नंबर 25 निकाल लिया। पेज नंबर 25 पर हमारे पास हेडिंग है फिल इन द मिसिंग नंबर्स, ठीक है। मिसिंग नंबर्स, मिसिंग नंबर्स क्या होते हैं? मैं वो नंबर्स जो हमें ना दिए गए हों, हमारे पास यहाँ नंबर्स दिए गए हैं, देखें बॉक्सेस हैं, कितने बॉक्सेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बॉक्सेस हैं। लेकिन फर्स्ट बॉक्स में हमें नंबर 1 लिख के दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या इस बॉक्स में हमें कुछ लिख कर दिया है? नहीं लिख कर दिया ना। और नेक्स्ट बॉक्स में क्या लिख दिया? नंबर 3। फिर नेक्स्ट पर बॉक्स पर कुछ भी नहीं लिखा और उसके आगे 5 लिख दिया। इस तरह कुछ बॉक्सेस हमारे पास ब्लैंक हैं, खाली हैं, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने नंबर नहीं लिख के, बल्कि ये नंबर्स आपको ख़ुद लिखने होंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें कौन सा नंबर दिया है? 1 नंबर। कौन सा नंबर है ये? 1। चलें बच्चों, 1 के बाद क्या आता है? 1 नंबर के बाद क्या आता है? हम काउंटिंग पढ़ते हैं ना, 1 के बाद क्या आएगा? 2। क्या आएगा? 2। तो हमें 1 के बाद क्या लिखना चाहिए? यहाँ पर 2 लिखना चाहिए। चलें 1 के बाद यहाँ क्या आना चाहिए? 2। मेरे साथ साथ लिखिए, इस तरह से बनाएं, सबसे पहले डैश राउंड डैश 2। अब देखिए ये लाइन कंप्लीट हो गई, 1, 2, 3 कंप्लीट हो गई ना। 3 के बाद क्या आता है? क्या आता है 3 के बाद? 4। क्या आएगा? 4। इस तरह से बनाएंगे सफाई के साथ, 4, 4, 5 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 5 के बाद कौन सा नंबर आता है? व्हाट कम्स आफ्टर 5? 6। व्हाट कम्स आफ्टर 5? 6। अब यहाँ 6 तक कंप्लीट हो गया, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 व्हाट कम्स आफ्टर 7? 8 बनाएंगे, पहले इस बना के फिर इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, 8, ठीक है। 7, 8, 9, 9 व्हाट कम्स आफ्टर 9? 10 व्हाट कम्स आफ्टर 9? 10 वेरी नाइस। चलिए काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रीड कर लिया। चलें अगेन रिपीट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अगेन रिपीट करें, 1, 2, 3, 4, 5,
सिक्स सेवन एट नाइन टेन. तो हमें आज मिसिंग नंबर्स दिए गए थे 10 तक, जिनमें से कुछ नंबर्स हमारे पास मिसिंग थे. हमने काउंटिंग हमें आती है तो हमने उन नंबर्स को फिल आउट कर लिया और ये पेज हमारा इस तरह कंप्लीट हो गया. इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ चलते हैं. हमारी नेक्स्ट वर्किंग है हैप्पी किड सीरीज़ उर्दू कायदा सिलसिला अव्वल. इसमें तमाम बच्चे अपनी बुक्स निकाल लें पहले ये, और सफ़ा नंबर निकालिए बेटा 4. सफ़ा नंबर 4 पे आज हम पढ़ाई करेंगे हर्फ टे की. इसके जुमले पढ़ेंगे और आखिर में हम ज़खीरा अल्फाज यानी वो अल्फाज जो टे से शुरू होते होंगे. सबसे पहले हम हर्फ को याद कर लेते हैं. टे 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 टमाटर टे टमाटर टे टमाटर. अब इसके जुमलों की पढ़ाई करेंगे. ये टमाटर है ये टमाटर है. टमाटर का रंग सुर्ख है टमाटर का रंग सुर्ख है. ये टमाटर है टमाटर का रंग सुर्ख है. ज़खीरा अल्फाज, ज़खीरा अल्फाज यानी वो अल्फाज जो टे से शुरू होते हों. तो चलिए इनकी पढ़ाई करते हैं. टे टमाटर टे टहनी टे टेलीफोन टे टाट टे टोकरी टे टोपी. दोबारा से पढ़िए. टे टमाटर टे टहनी टे टेलीफोन टे टोकरी टे टोपी. ज़खीरा अल्फाज की पढ़ाई करने के बाद इस पेज को दोबारा रिवाइज करें. टे टमाटर ये टमाटर है टमाटर का रंग सुर्ख है. ये टमाटर है टमाटर का रंग सुर्ख है. इसके बाद ज़खीरा अल्फाज पढ़िए. टे टमाटर टे टहनी टे टेलीफोन टे टाट टे टोकरी टे टोपी. सब बच्चों ने इसकी पढ़ाई कर ली. बच्चों आज की हमारी वर्किंग यहीं तक थी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.